हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेटिनोग्राफिक मेटामॉर्फोसिस इन एसीडियन टैडपोल लार्वा के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एम्ब्रियोनिक प्री लार्वा एसीडियन टैडपोल लार्वा के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, और यहां जो हम रेटिनोग्राफिक मेटामॉर्फोसिस इन एसीडियन टैडपोल लार्वा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि ये एसीडियन टैडपोल लार्वा में एडल्ट जो कैरेक्टर है वो लेस कैरेक्टर सेकेंडरी सेसाइल वेस्ट हार्मोनिया में बदल जाता है। तो ये जो इसमें जो चेंज होते हैं वो है फर्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ एसीडियन टैडपोल लार्वा, जिसमें फर्स्ट आता है इसकी टैक्सोनॉमी। फर्स्ट क्या है इसकी टैक्सोनॉमी के, सेकंड इसकी फाइटोजेनेटिक है, थर्ड इसकी एम्ब्रियोलॉजिकल है। तो होता क्या है कि स्पोर्टन के तुरंत बाद ये, स्पोर्टन के एथिम के तुरंत बाद ये कैसा होता है, तुरंत बाद ये फोटोपॉजिटिव से और ये जियो नेगेटिव हो जाता है। यानी कि स्पोटन के तुरंत बाद ये क्या होता है, फोटो पॉजिटिव और ये जियो नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि ये प्रकाश के प्रति रहना ज्यादा पसंद करता है। और इसका जो मुख है ये टेस्ट में बंद होने के कारण, इसका जो मुख टेस्ट में बंद होने के कारण ये ब्रीडिंग नहीं कर पाता है। और लगभग तीन से चार घंटे के बाद भोजन ना कर पाने के कारण, तथा यह स्वतंत्र जलीय स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने के बाद, यह जियो पॉजिटिव से फोटो पॉजिटिव हो जाता है। यानी कि यह कैसा हो जाता है, जियो पॉजिटिव से फोटो नेगेटिव हो जाता है। और यह पानी में डूबता हुआ यह किसी जल की तली, यानी कि किसी जल के तली में किसी एक सबस्ट्रेटम या किसी आधार पर एडहेसिव पेपिला की सहायता से चिपक जाता है और इसमें कायांतरण हो जाता है। कायांतरण होने के बाद में यह बस्किन एडल्ट हार्मोनिया में बदल जाता है। तो ये है इसकी इंट्रोडक्शन। तो इसमें जो रेटिनोग्राफिक मेटामॉर्फोसिस में जो कुछ चेंज होते हैं, यानी कि जो इसकी रेटिनोग्राफिक प्रतिगामी कायांतरण है, तो इसमें क्या होता है, कुछ इसमें परिवर्तन होते हैं। तो जैसे लॉन्ग टेल डिसअपीयर, इसकी जो लॉन्ग टेल है वो कैसी हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। यानी कि इसकी जो कॉडल, उसका लॉन्ग टेल डिसअपीयर, तो इसकी टेल के कुछ अवशेष रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं, टेल के कुछ अवशेष रह जाता है। तथा इसकी जो कॉडल फिन्स है, उसकी कॉडल फिन्स में नर्व कॉर्ड तथा ये लोटो कॉर्ड, ये भी क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। ये इसमें से भी क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। और ये किसके द्वारा, ये फेगोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा डीजनरेट होते हैं। फेगोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा क्या होते हैं, डीजनरेट होते हैं। थर्ड पॉइंट है एडहेसिव पेपिला, ये भी की क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है या डीजनरेट हो जाती है। इसके बाद सेंस ऑर्गन्स है, ये भी डिसअपीयर हो जाते हैं। और इसका जो एंटीरियर भाग है, इसका जो एंटीरियर भाग कैसा हो जाता है, इसका उसमें ग्रो फास्ट होता है, यानी कि तेजी से ये 90 डिग्री के कोण पर बढ़ता है। और अपनी जो मूल, इसकी जो लार्वा की जो मूल पोजीशन है, इसका जो जिसको ब्रैंकियल और एंटीरियर एंटीरियर तथा डोर्सल जी अपनी मूल पोजीशन पर आ जाता है, अपनी पृष्ठ अपनी जो इसकी वास्तविक स्थिति होती है वो वैसी दिखाई देती है। ब्रैंकियल अपर्चर और एंटीरियर अपर्चर, जो एंटीरियर और डोर्सल जो इसकी जो पोजीशन होती है वो स्पष्ट इसी रूप से दिखाई देने लगती है। फिर आते हैं इसमें प्रोग्रेसिव चेंज में फर्स्ट है आपका एक्टोडर्मल एम्पुला में क्या होता है कि टेल के जो इसकी टेल के लुप्त हो जाने के कारण इसकी जो ट्रंक है, धड़ है, वो एक नाशपाती के आकार की दिखाई देती है।
कैसी दिखाई देती है, एक नाशपाती के आकार की, और इसके चारों कोने पर चार एम्पुला होते हैं। और ये जो एम्पुला के एक प्रकार से जो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में सहायता करते हैं, ये हो गया। फिर आता है इसका आपका न्यूरल ग्लैंड एंड न्यूरल ग्लैंड एंड एरबो गैंग्लियम कॉर्ड, यानी कि जो लार्वा में जो न्यूरल ट्यूब है, लार्वा में न्यूरल ट्यूब के द्वारा न्यूरल ग्लैंड एवं नर्व गैंग्लियंस का निर्माण हो जाता है। थर्ड है आपका टेस्ट डिसअपीयर माउथ, माउथ के चारों तरफ पाई जाने वाली टेस्ट क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है और माउथ एक्टिव हो जाता है। माउथ कैसे हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है, और माउथ के भीतर से इसको ब्रैंकियल अपर्चर से पानी अंदर की ओर जाता है। फिर आता है आपका फेरेंस ग्रेटली इनलार्ज, तो ये जो फेरेंस है वो अत्यधिक बड़ी हो जाती है और इसमें स्टिग्मेटा और ये ब्लड वेसल्स की संख्या बढ़ जाती है, और इसी बात को अपन क्या कहते हैं, ब्रैंकियल शेप कहते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है एलिमेंट्री कैनाल चेंज, यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें कुछ चेंज हो जाते हैं, स्टोमक और इंटेस्टाइन ये आकार में बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट है आपका एट्रियल केविटी एक्सटेंसिव, जो एट्रियल केविटी है वो कैसे हो जाती है, अत्यधिक बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट है आपका हार्ट एंड पेरिकार्डियम का निर्माण हो जाता है, हार्ट एंड पेरिकार्डियम का निर्माण हो जाता है, और टेस्ट ऑफ कवर एंटायर, यानी कि इसकी बॉडी के चारों तरफ में क्या हो जाता है, एक टेस्ट का निर्माण हो जाता है। दूसरा गोनड एंड गोनोडक, यानी कि जो लार्वा में मेसोडर्मल कोशिकाओं के द्वारा गोनड्स तथा गोनोडक्ट का निर्माण हो जाता है। तो ये आपका एक प्रकार से ये लार्वा की पोजीशन है, जहां हमने ये न्यूरल डक्ट है, ये ऑटोसिस्ट है, ये सेंसरी वेसाइकल्स है, ये एट्रियोपोड्स है, अपन एटीएल अपर्चर है, और ये आपका इसके मेंटल है, ये टेस्ट है, नर्व पुट है, और ये यहाँ पर ये ब्रैंकियल अपर्चर है, और ये बना स्टिग्मेटा है, तो ये इसकी पोजीशन, और ये इसकी एडल्ट यंग एडल्ट है, यंग एडल्ट, तो ये इसमें जैसे ये बना रखा है ब्रैंकियल ब्रैंकियल अपर्चर है, और ये एटीएल अपर्चर है, ये एंटीरियर भाग और ये डॉर्सल भाग। तो ये एक प्रकार से जो आपने ये देखा इसमें किस प्रकार से रेटिनोग्रेसिव चेंजिंग हुए मेटामॉर्फोसिस के अंतर्गत में लार्वा से एडल्ट बनने में जो किस प्रकार से इसमें पर चेंजेस हुए जिनको आपने देखा इस वीडियो, तो इस वीडियो को आप अच्छी तरीका से देखें। थैंक यू वेरी मच।